नमस्कार, ग्लोबल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ चर्चा के लिए हैं वेलनेस एंड स्पिरिचुअल काउंसलर संदीप कुमार जोशी जी। नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे ओवर थिंकिंग की समस्या क्या होती है, ओवर थिंकिंग क्यों होती है और ओवर थिंकिंग से छुटकारा हमें कैसे मिल सकता है। संदीप जी, हमारे पास एक श्रोता का मैसेज आया है जिन्होंने अपनी समस्या बताई है कि उनको ओवर थिंकिंग की समस्या है। सो कैसे हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, क्यों होता है ऐसा और इससे हमें छुटकारा कैसे मिल सकता है। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम जी। ओवर थिंकिंग वर्ड अगर इसको ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब ये होता है कुछ अधिक सोचना, यानी जरूरत से अधिक। हम जब किसी चीज पर हमारे थॉट्स, मल्टीपल थॉट्स चलते रहते हैं, बहुत ज्यादा हम सोचें, बहुत ज्यादा हमारे थॉट्स चलने लगे। सो ओवर थिंकिंग के जो कारण होते हैं वो अलग अलग कारण होते हैं। कुछ ऐसे कारण होते हैं जो कहीं ना कहीं हमको इस ओर ढकेल देते हैं, या कहने का मतलब ओवर थिंक करने के लिए मजबूर करते हैं। जी जी। अगर हम एक एक करके यहाँ पर चर्चा करें तो कुछ कारण जैसे कि ये हो सकता है कि कभी कभी समटाइम्स इट हैपेंस कि कोई चीज मैंने एक्सपेक्ट किया, कोई घटना जैसे कोई इंसिडेंट हमारे साथ घटित हो गया, हम एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा, बट ऐसा हो गया। फिर हमें हमारे जो थॉट होते हैं बार बार उस चीज को लेकर चलते हैं। जैसे कोई रिलेटिव है, किसी कोई रिलेटिव है या कोई जानने वाला, अब उसके साथ भी एक ऐसी घटना घट गई हमारे उसके साथ, हमने सोचा था कि ऐसा नहीं होगा लेकिन ऐसा हुआ, और फिर ऐसा हमारे थॉट बार बार चलने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो क्या होता है कि सेम थॉट, सेम इंसिडेंट को लेकर के हम खा रहे हैं, जग रहे हैं, सो रहे हैं, एवरी टाइम सेम थॉट आपके मन में आ रहे हैं, एक ही घटना होती है। सो ये कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग अलग अलग प्रकार से आते हैं। एक ही चीज को आप अलग अलग तरीके से सोचेंगे, बार बार सोचेंगे, बार बार आप सोचेंगे, वो उसी व्यक्ति की इमेजिनेशन, उसी व्यक्ति का चेहरा आपके सामने आ रहा है। उसमें ऐसा भी होता है कभी कभी जैसे किसी ने चीट कर दिया, धोखा दे दिया आपको। जी जी। सो ऐसे समय में भी आपके साथ ये दिक्कत हो सकती है कि आपके आपके मन में बार बार ये बात आए कि ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो बात ऐसी भी होती है, कभी कभी हमारी हाई एक्सपेक्टेशन होती है, कभी कभी हमारी एक्सपेक्टेशन, हम अपनी ओर से ही इतनी एक्सपेक्टेशन बढ़ा चढ़ा कर लेते हैं। सो हो सकता है जो सामने वाला बंदा हो उस पर खरा होता है। सो ऐसे समय पर भी ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है जो आपने सोचा हो ना हो ऐसा। सो इस तरीके की प्रॉब्लम, हाँ कुछ ऐसी भी दिक्कतें हैं कि आपकी अपनी तरफ से हो सकती हैं, आपकी जो इमोशनल हेल्थ की वजह से, देखा मुझसे कुछ लोग मिले उनके अपने इमोशनल हेल्थ के कारण, यानी कि कभी कभी उनको एक हैबिट सी हो जाती है सोचने की, वैसे हर चीज को हम वैसा ही उसी डायमेंशन से सोचें, हमारी एक अपनी इमोशनल एक हेल्थ होती है, वीक होते हैं कहीं ना कहीं, इमोशनली हम उनको वीक कह सकते हैं। जी बिल्कुल। कई लोग खुद को रियलाइज भी करते हैं कि मैं इमोशनली बहुत वीक हूँ, मैं बहुत जल्दी इफेक्ट में आ जाती हूँ, बहुत ज्यादा सोचती हूँ। हाँ जी बिल्कुल, मतलब खुद आपको रियलाइज भी हो जाएगा कि शायद उसके बाद आप देखेंगे कि उस सेम इंसिडेंट का शायद वो रिफ्लेक्शन नहीं था जो हमने देखा, जो मैंने अपने अंदर इमेजिनेशन बनाकर देखा। इसके पहले उस समय हम बहुत ज्यादा ओवरलीट हो गए, ऐसा भी हो सकता है। फिर बाद में आपको कहीं फ्रस्ट्रेशन होगा, बाद आपके मन में बार बार वही थॉट आ रहे हैं। सो ऐसी घटनाएं जब होती हैं तब आप कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग के शिकार हैं, राइट। जो आपने अभी ये तीन चार लक्षण बताए, सो ये जो लक्षण है अगर किसी में भी दिखते हैं तो आप अपने आप ही, मतलब हम अपने आप ही सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम ओवर थिंकिंग के शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल, ये अगर लक्षण है आपके कहीं ना कहीं आपके अंदर इमोशनल हेल्थ की प्रॉब्लम है वो कारण आपका बन सकता है। सो अगर मैं कहूँ कि इसकी सोल्यूशन की बात करूँ, जैसा कि आपने पूछा कि इसका कारण, इसके निवारण क्या हो सकता है, इसको कैसे हम ये एडिक्यूट कर सकते हैं अपनी लाइफ से,
सो सबसे पहली बात तो यही है कि टू मच एक्सपेक्टेशन जो हम रखते हैं, कभी कभी जो एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए हम उतना रखते हैं, सो उस पर रीचेक करने की जरूरत है। रीचेक योर एक्सपेक्टेशन, जो आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं उसको आप रीचेक करें। एंड डू द सेल्फ टॉक, सेल्फ टॉक बहुत जरूरी है। अगर ऐसी कोई घटना घट जाती है, मान लो सपोज दैट आपको हो जाती है, हम सब इंसान हैं, कहीं ना कहीं घटनाएं घट जाती हैं, सो आप कहीं ना कहीं सेल्फ टॉक के थ्रू उसको उस ऐसे नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करें कि अप्रोप्रिएट वे क्या था, कि हमें ऐसा करना चाहिए था या नहीं। कभी कभी हम क्या होता है, दूसरों को ही ब्लेम करते रहते हैं, वी ऑलवेज ब्लेम टू अदर्स, दूसरों को ही ब्लेम करते हैं किसी भी घटना के लिए। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी घटनाएं घटी, जैसे हो सकता है कि आपने ठीक किए ऐसी घटनाएं, लेकिन हम पहले से अपना सेफ एंड साइड यानी कम्फर्ट जोन घूमने लगते हैं, बाद में कुछ दिनों बाद आपको पता चलता है नहीं वो तो ठीक किया था, लोग भी आपके चारों तरफ कहते हैं कि नहीं वो तो आपने ठीक किया था, लेकिन क्या हुआ कि हमने अपने थॉट्स क्या कर दिए, ओवरथिंक कर दिए, फिर कहीं ना कहीं अपने आप को नहीं, हमने ब्लेम भी कर दिया। अच्छा, ऐसे समय हम खुद को भी कभी कभी ब्लेम करते हैं और ये जो अदर्स को भी ब्लेम करते हैं, खुद को भी ब्लेम, तो ये जो जितना थॉट क्रिएट होते हैं समझ लीजिए ओवरथिंक के कारण ओवरथिंक हुआ, आपका आपका टाइम वेस्ट हुआ, आपकी एनर्जी वेस्ट हुई। सो इससे क्या हुआ, इस पर वर्क करने की जरूरत है। अगर आपने कोई वर्क किया, अगर आपने अपना कोई डिसीजन लिया, तो उस पर थोड़ा सा स्टैंड आप स्टैंड लें कि भाई एक लॉजिक है, इसके थ्रू हमने ये वर्क किया, और अगर वो घटना हो जाती है उसके बाद एक स्टैंड आप लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ जाते हैं। आप कि मन में है थॉट कि भाई ये लॉजिक था इसलिए मैंने ऐसा किया, और आप अगर उस समय पर सही डिसीजन नहीं लेते हैं या फिर अपने जो थिंकिंग पैटर्न है उसमें कुछ बदलाव, कहने का मतलब जो जरूरत है वैसा सोचने की, वैसा आपने अगर नहीं सोचा तो ओवरथिंक में फिर जाना आपका तय है। फिर ऐसे समय क्या है, फिर मल्टीपल थॉट्स उसके फिर चक्रव्यूह में आप फंस जाएंगे, और मल्टीपल थॉट्स के चक्रव्यूह से निकलना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल। सो क्या कोई ऐसा प्रोग्राम है आप कराते हैं जिसकी जिसमें आप ओवरथिंकिंग से अगर कोई व्यक्ति 4-5 सालों से या उससे भी ज्यादा समय से फंसा हुआ है, ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, सो क्या ऐसा कोई प्रोग्राम है आपके पास जिससे उसे छुटकारा मिल सकता है अगर वो ज्वाइन करता है? बिल्कुल, अभी जो रिसेंट में हमारा माइंड रीप्रोग्रामिंग का जो सेशन चल रहा है काफी इफेक्टिव सेशन है। उसमें क्या है कि बहुत पुराने से पुराना इवन स्ट्रेस भी लोगों का खत्म हो रहा है, ये रिजल्ट आ रहे हैं। ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम तो उसके लिए बहुत ही ईजी है, अगर आप माइंड रीप्रोग्राम एक बार कर देते हैं तो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम समझ लीजिए जड़ से खत्म हो जाएगी। फिर आप आगे की ओर देखेंगे, कहीं ना कहीं अपना अपने एक टास्क बनाएंगे लाइफ में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि रीप्रोग्राम हो गया माइंड, फिर वहाँ ओवर थिंक जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं। सो ये बहुत ही यूजफुल है सेशन, जो हमारे माइंड रीप्रोग्रामिंग के सेशन है, ये 3 मंथ का जो एक अच्छा खासा सेशन होते हैं, उसमें तो कम्प्लीटली आप हील हो जाते हैं। एक जो है हमारा बेसिक प्रोग्राम माइंड रीप्रोग्रामिंग, उसमें 1 मंथ का ड्यूरेशन होता है। 1 मंथ के ड्यूरेशन में भी ये अच्छे से चांसेस रहते हैं, जो पर्टिकुलर आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसके अकॉर्डिंग फिर आपका जो माइंड रीप्रोग्राम किया जाता है। लेकिन जो 3 मंथ का ये जो है माइंड रीप्रोग्राम, वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, 100% उसके वजह वेरी गुड न्यूज उनके लिए, बहुत ही गुड न्यूज है, अच्छी बात है कि अगर वो ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है, ओवर थिंकिंग की वजह से कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन की जो एनर्जी है वो वेस्ट हो जाती है। बिल्कुल, मेंटल एनर्जी आप देखिए, ओवर थिंक आप कितना करते हैं, अगर आपने फील किया होगा, सो मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक इवन लोग बेड पर पड़े रहते हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बेड पर पड़े हैं, रूम से नहीं निकल रहे हैं। आप देखेंगे कि ऐसे लोग, उनको भूख भी नहीं लग रही है,
वो वॉक के लिए भी नहीं जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने माइंड से ही कहीं ना कहीं ग्रसित है, वो अपने वो सोच नहीं पा रहे हैं जो वो अपने लिए सोच रहे हैं लाइफ में। ऐसा कोई इंसिडेंट उनके साथ हो जाता है जिसका प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं उनके माइंड में ओवर थिंकिंग रहता है। अब देखिए जो आपको एनर्जी मिली हुई है, अगर आप उसकी आपको जैसे कि और इजी करके बताता हूँ, जैसे 100% एनर्जी है आपके पास अभी जो आज आपको मिली है करंट, अब आपकी 80% एनर्जी पास्ट की बातों में यानी ओवर थिंकिंग में लग गई है, फिर क्या हुआ आपका 20% एनर्जी बची और फिर वो भी ये जरूरी नहीं थी आप यूज नहीं करें थे। सो क्या होता है कि प्रेजेंट हमारा खराब हो जाता है। सो माइंड रीप्रोग्राम करके और फिर अपने आप को रेडी कर देना, अपना एक टास्क अपना डिसाइड करना और लाइफ में आगे बढ़ जाना, ये बहुत जरूरी होता है। और इसमें तो मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगा अपने श्रोताओं को भी कि अपने आप को जल्दी से जल्दी इन सब चीजों से छुटकारा दिलाना चाहिए, इसके लिए वेट नहीं करना चाहिए, कोई एक ऐसा समय आए फिर हम करेंगे या ऐसा कोई एक्सक्यूज भी नहीं, क्योंकि लाइफ का एक एक सेकेंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अमूल्य है जिसको हम कहते हैं, उसकी कोई कीमत नहीं चुका सकता। सो ये बहुत जरूरी है अपने आप को हम रेडी करें, माइंड को रेडी करें और लाइफ में जो कुछ पड़ाव आगे आने वाले हैं उनके लिए अपने आप को तैयार करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बताया कि वास्तव में जो ओवर थिंकिंग की समस्या है वो क्या है और कितनी घातक है वो हमारे लिए और कैसे हम इससे छूट सकते हैं। आज माइंड रीप्रोग्रामिंग के जरिए जो है वो हम इस समस्या से पूरी तरीके से छुटकारा पा सकते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ मैं अपने श्रोताओं को कहना चाहूंगी कि अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है सो आप डायरेक्टली सर के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है आप उस पर कॉल करके और डिटेल में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अगर आप सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि माइंड रीप्रोग्रामिंग जो सेशन है 3 मंथ का सेशन वो 100% रिजल्ट देता है। अगर आपको कोई भी समस्या है, आप 5 साल से 10 साल से 12 साल से आप उसे फेस कर रहे हैं, आप बिल्कुल ट्रस्ट कीजिए और आप दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, सेशन अपना बुक कराइए और माइंड रीप्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दीजिए। 3 मंथ में आप अपने आप को कम्प्लीटली चेंज पाएंगे। सो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसी के साथ हम लेते हैं विदा। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।